नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। पिकअप की टक्कर से स्कूटी सवार युवक की मौत, साथ ही घायल। पिकअप की टक्कर से स्कूटी सवार युवक की मौत हो गई, जबकि उसका साथी युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटनास्थल पर एकत्र राहगीरों ने आनन फानन में गंभीर रूप से घायल युवक को राजकीय चिकित्सालय में भर्ती करवाया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है। गोली खाने के बाद भी नहीं सुधरा, यूपी छोड़ यहां करने लगा चोरियां। पुलिस ने चोरियों का खुलासा किया। हल्द्वानी मुखानिया थाना क्षेत्र में पिछले दिनों हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा किया है। एसपी सिटी हरबंस सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि यूपी के लखीमपुर निवासी रियाज को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि वो मखानी क्षेत्र की 3 चोरियों में शामिल था। पकड़े गए चोर से 1.5 लाख से अधिक की कीमत की ज्वेलरी सहित नकदी बरामद की गई है। पकड़े गए शातिर चोर रियाज को यूपी पुलिस के साथ मुठभेड़ में गोली भी लग चुकी है। इसके 2 साथियों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। बड़ी खबर, देहरादून में यहां दिन दहाड़े घर में घुसकर हुई लूट, बदमाश गिरफ्तार। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। देहरादून में एक बार फिर बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम दिया है। राजधानी के टनर रोड इलाके में घर में मौजूद एक बुजुर्ग महिला से लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि महिला के घर में बदमाश घुसा और तमंचे की नोक पर उसने सोने के गहने लूट लिया और भाग निकला। घटना की सूचना मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस को वारदात की सूचना दी गई। इसके बाद हरकत में आई पुलिस ने अलग अलग स्थानों पर नाकेबंदी कर चेकिंग अभियान शुरू कर दिया। इसी दौरान पुलिस के हत्थे बदमाश लग गया। आपको बता दें कि हाल में एक दिन में चेन लूटने की 5 वारदातों को बाइक सवार बदमाशों ने अंजाम दिया था, जबकि एक अन्य वारदात की कोशिश की थी। पुलिस उन बदमाशों को भी अरेस्ट नहीं कर पाई है। इससे भी पुलिस की साख पर बट्टा लगा हुआ है। ऋषिकेश में राफ्टिंग के दौरान गंगा में गिरी 2 युवतियां, सेना के जवानों ने ऐसे बचाई जान। ऋषिकेश में राफ्टिंग के दौरान गंगा नदी के तेज बहाव में 2 युवतियां बह गई, जिन्हें भारतीय सेना के जवानों ने रस्सी के सहारे बाहर निकाला। फिलहाल दोनों युवतियां स्वस्थ हैं। रेस्क्यू का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि राफ्टिंग टीम एक सदस्य ने अपनी सूझबूझ से दोनों युवतियों को डूबने से बचा लिया। रुद्रपुर में परीक्षा को लेकर बिल्डिंग पर चढ़े छात्र, घंटों चला हाई वोल्टेज ड्रामा। शनिवार को रुद्रपुर डिग्री कॉलेज में उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब 3 छात्र कॉलेज भवन की छत पर चढ़ गए। वहीं उनके समर्थन में दूर छात्र के कॉलेज के मुख्य गेट के आगे धरने पर बैठ गए, जिससे कॉलेज प्रशासन में हड़कंप मच गया और सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। जनरल मनोज पांडे ने थलसेना प्रमुख का पदभार संभाला। जनरल मनोज पांडे ने नए थलसेना प्रमुख के तौर पर पदभार संभाल लिया। उन्होंने जनरल MM नरवाणे की जगह ली है। सेना प्रमुख के रूप में उन्हें थिएटर कमांड को तैयार करने की सरकार की योजना पर नौसेना और वायुसेना के साथ समन्वय करना होगा। उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में 1.21 लाख स्टूडेंट ने लिया एडमिशन, शिक्षा विभाग की मुहिम लाई रंग। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि हमारा लक्ष्य करीब 1,50,000 छात्र छात्राएं सरकारी विद्यालय में प्रवेश लेंगे, क्योंकि अभी 11वीं की कक्षा में एडमिशन नहीं हुए हैं। शिक्षा विभाग की ओर से शैक्षणिक सत्र के लिए प्रवेशोत्सव को भव्य बनाने के लिए ब्लॉक स्तर पर प्रभारी भी नियुक्त किए गए थे। 2 मई को ओंकारेश्वर से रवाना होगी बाबा केदार की पंचमुखी उत्सव डोली, रोशनी से जगमग होगा पैदल मार्ग। रविवार यानी कल से भैरवनाथ पूजन के साथ बाबा केदार की यात्रा का आगाज होगा। 2 मई को बाबा केदार की पंचमुखी उत्सव डोली शीतकालीन गद्दे स्थल ओंकारेश्वर से केदारनाथ के लिए प्रस्थान करेगी, जिसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आगामी 6 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे। कमरे में पति ने लगाई फांसी, पत्नी को नहीं लगी भनक। कोतवाली ज्वालापुर क्षेत्र में 22 साल के एक युवक ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस इस बात का पता लगा रही है कि वास्तव में मेहताब ने फांसी लगाई है या फिर उसकी मौत के पीछे की वजह कुछ और है। थराली, हंगामेदार रही BDC की बैठक, नदारद अधिकारियों को लेकर हंगामा। थराली विकासखंड में विकास योजनाओं को लेकर पहले BDC बैठक हुई, जिसमें थराली विकासखंड के प्रधानों और क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने संबंधित विभागों के सम्मुख अपने क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं को रखा। हरिद्वार से गंगोत्री धाम के लिए राजभोग प्रसाद एवं भोजन सामग्री रवाना। श्री महंत रविंद्र पुरी ने बताया कि पूर्व से चली आ रही परंपरा का पालन करते हुए मां मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट की ओर से गंगोत्री धाम के लिए भोग प्रसाद हेतु खाद्य सामग्री प्रेषित की जा रही है। उन्होंने कहा कि परंपरा के अनुसार श्रद्धालु जन्मा मनसा देवी मंदिर पहुंचकर आज्ञा लेकर चारधाम यात्रा प्रारंभ करते हैं। रुड़की, पुलिस ने पकड़ी नशे के इंजेक्शन के खेप 3 गिरफ्तार। सिविल लाइन कोतवाली पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत चेकिंग के दौरान प्रतिबंधित नशे के इंजेक्शन के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तीनों के कब्जे से हजारों रुपए की नकदी और 2 मोटरसाइकिल भी बरामद किए हैं। पुलिस अभी तीनों आरोपियों के आपराधिक इतिहास को खंगालने में जुटी है। लालकुआ किच्छा हाईवे पर मिला पशुपालन विभाग के कर्मचारी का शव, SDRF में तैनात है बेटा। रुद्रपुर में लालकुआ किच्छा हाईवे के किनारे झाड़ू में एक व्यक्ति का शव मिला है। शव की शिनाख्त निवासी धारचूला 53 वर्षीय नंदगिरी के रूप में हुई है। आशंका जताई जा रही है कि किसी वाहन की चपेट में आने से नंदगिरी की मौत हुई है। वांटेड अपराधियों को पकड़वाओ, 50,000 इनाम पाओ, DIG कुमाऊं की घोषणा।
पिछले काफी सालों से फरार चल रहे वांटेड अपराधियों की धरपकड़ के लिए कुमाऊं पुलिस ने अब इनाम की घोषणा की है। डीआईजी कुमाऊं नीलेश आनंद भरने की ओर से जारी आदेश के मुताबिक जो भी शख्स जारी किए गए अपराधियों के नामों में से किसी को भी पकड़वाने में मदद करेगा उसको 50,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। सूचना देने वाले का नाम भी गुप्त रखा जाएगा। घर के बाथरूम में घुसा गुलदार का शावक फॉरेस्ट टीम ने किया रेस्क्यू। डोईवाला घमंडपुर रोड परसाई मंदिर के समीप मनसाराम कुकरेती के घर पर आज सुबह गुलदार का एक बच्चा उनके बाथरूम में घुस गया। सूचना पर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने गुलदार के बच्चे को पकड़कर सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया। स्कूली बच्चों को आपदा से निपटने के गुर सिखा रहा एनडीआरएफ की टीम। एनडीआरएफ की 15वीं बटालियन द्वारा उधम सिंह नगर में आपदा से बचाव के लिए स्कूल सेफ्टी अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत एनडीआरएफ जवानों ने रुदुपुर के जवाहर नवोदय स्कूल में बच्चों को आपदा से बचाव की जानकारी दी। चारधाम यात्रा मार्ग पर आंचल ब्रांड के खुलेंगे आउटलेट, यात्री आइसक्रीम और लस्सी का उठा सकेंगे लुफ्त। उत्तराखंड डेयरी फेडरेशन प्रदेश में दुग्ध क्रांति के क्षेत्र में लगातार अग्रसर है। ऐसे में अब फेडरेशन विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा मार्ग पर आउटलेट खोलने जा रहा है जिससे बाहर से आने वाले यात्री आंचल ब्रांड के प्रोडक्ट का स्वाद उठा सकेंगे। दिल्ली में मुख्य न्यायाधीशों और मुख्यमंत्रियों के संयुक्त सम्मेलन में सीएम धामी ने लिया हिस्सा। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन में उद्घाटन सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे देश में जहां एक और न्यायपालिका की भूमिका संविधान संरक्षक है, वहीं विधायिका नागरिकों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती है। चारधाम यात्रा के लिए हरिद्वार से पहला जत्था हुआ रवाना, स्वामी यतीश्वरानंद भी रहे मौजूद। 3 मई को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा का आगाज हो जाएगा। इस बीच हरिद्वार से चारधाम यात्रा का पहला जत्था माया देवी के प्रांगण से रवाना हो गया। पार्था और बमोटिया गांव में पुलिस प्रशासन ने की भांग की खेती नष्ट, अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज। राजस्व रेगुलर पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर पार्था और बमोटिया गांव में भांग की खेती को नष्ट किया। उप जिलाधिकारी रविंद्र कुमार जुवाठा ने कहा कि नशे के खिलाफ उनका अभियान आगे भी जारी रहेगा। रुद्रप्रयाग में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने चलाए डंडा, व्यापारियों को दी चेतावनी। व्यापारियों की ओर से सामान को फुटपाथ पर लगाया गया है, जबकि कुछ व्यापारियों ने नगर पालिका की जमीन पर हार्डवेयर का सामान रखकर बेचा जा रहा है, जिस कारण सामान बेचते समय वाहन खड़ा करने से जाम लग जाता है और लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में नगर पालिका ने चारधाम यात्रा को देखते हुए आए दिन लग रहे जाम और राहगीरों के चलने की समस्या को देखते हुए पुलिस प्रशासन के साथ अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू कर दिया है। नैनीताल में आज से नया ट्रैफिक प्लान लागू, मास्क हुआ जरूरी। अगर इस वीकेंड नैनीताल आने का प्लान बना रहे हैं तो जरा सतर्क हो जाइए। पर्यटन सीजन में पर्यटकों की आवक को देखते हुए नया ट्रैफिक प्लान बनाया गया है, साथ ही कोरोना को लेकर भी नई गाइडलाइन जारी की है। मास्क नहीं पहनने पर 1,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। चमधार जवाड़ी और नरकोटा लैंड स्लाइड जोन का होगा ट्रीटमेंट, भारत सरकार ने दिए आदेश। भारत सरकार ने THDC को चमधार जवाड़ी और नरकोटा तीनों स्लाइड जोन की DPR तैयार करने और जियोलॉजिकल सर्वे करने के लिए कहा है। THDC ने 15 मई तक DPR और जियोलॉजिकल सर्वे रिपोर्ट तैयार कर लेगी, उसके बाद जल्दी ट्रीटमेंट का काम शुरू होगा। धरासो बैंड से लेकर सिलक्यारा तक यमुनोत्री राजमार्ग का बुरा हाल। आगामी 3 मई को विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुल जाएंगे, जिसके साथ ही चारधाम यात्रा शुरू हो जाएगी। लेकिन गंगोत्री और यमुनोत्री धाम को जोड़ने वाले मार्गों की स्थिति अभी भी बदहाल है। सबसे बुरी स्थिति यमुनोत्री राजमार्ग की बनी हुई है। आग से धधक रहे जंगल, आंखों में जलन और सांस लेने की परेशानी लेकर अस्पताल पहुंच रहे लोग। रुद्रप्रयाग के जंगलों में लगातार आग लग रही है। आग लगने के बाद उठ रहे धुएं से लोगों को आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत सहित अन्य समस्याएं हो रही हैं, जिस कारण जिला अस्पताल के साथ ही माधवाश्रम अस्पताल कोटेश्वर में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। देहरादून राजपुर रोड पर बेकरी में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने बमुश्किल पाया काबू। थाना राजपुर क्षेत्र के राजपुर रोड पर स्थित एक बेकरी में अचानक आग लगी। सूचना पर मौके पर पहुंचे दमकल विभाग के कर्मचारियों ने आग पर बमुश्किल काबू पाया। आग लगने के कारण प्रथम दृष्टि में शॉर्ट सर्किट लग रहा है। टेरी रोलाकोटा गांव के 113 परिवारों का होगा विस्थापन, लॉटरी के माध्यम से आवासीय और कृषि भूमि आवंटित। टेरी डैम से प्रभावित रोलाकोट गांव के 113 परिवारों को 25 साल बाद आवासीय और कृषि भूमि लॉटरी के माध्यम से आवंटित कर दिए गए हैं। ऐसे में ग्रामीणों में खुशी जाहिर करते हुए सरकार और टेरी जिला प्रशासन का आभार व्यक्त किया है। देहरादून ISBT से रिस्पना सड़क का होगा चौड़ीकरण, मई के पहले सप्ताह से होगा काम शुरू। लंबे समय से अधर में लटका ISBT से अजबपुर फ्लाईओवर तक के सड़क चौड़ीकरण का एक बार फिर से शुरू हो रहा है। लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता नियोजन KP उप्रेती ने बताया कि सड़क के चौड़ीकरण का काम मई के पहले सप्ताह से शुरू होने जा रहा है। स्टाइपेंड बढ़ाने और फीस कम किए जाने की मांग, आमरण अनशन पर बैठे दो छात्र। आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं ने गेट पर धरना दे रखा है। आंदोलनकारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। वहीं 4 दिन से विश्वविद्यालय के गेट पर तालाबंदी से मरीजों, फैकल्टी और कर्मचारी को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में परिसर निदेशक ने गेट खुलवाने के लिए पुलिस को भी पत्र लिखा है।
मासूम से अश्लील हरकत करने वाले स्कूल वैन चालक परिचालक को 7 साल की सजा। अपर सत्र न्यायाधीश स्पेशल जज पॉक्सो नंदन सिंह की कोर्ट ने नाबालिग से अश्लील हरकत के दोषी चालक और परिचालक को 7-7 साल की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने दोनों पर 60,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया। सुशीला तिवारी अस्पताल में इलाज के दौरान युवक और युवती की मौत। सुशीला तिवारी अस्पताल में उपचार के दौरान 2 मरीजों की मौत हुई है। पहला मामला युवक के जहर घटकने का है तो वहीं दूसरा मामला किशोरी के घर के आंगन में सांप ने काट लिया। वहीं इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। आईपीएस और पीसीएस अधिकारियों के तबादले, इस जिले के बदले एसपी। उत्तराखंड की धामी सरकार में अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में शासन ने 2 IAS और 1 PCS अधिकारी के दायित्व में बदलाव किया है। साथ ही 3 IPS और 1 PPS अधिकारी के स्थानांतरण किए गए हैं। हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में मारपीट, इंटर्न को निकाला। हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज के वादों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले दिनों रैगिंग के मामले ने जोर पकड़ा था, अब एक और मामला सामने आया है। यहां बॉयज हॉस्टल में इंटर्न और MBBS के फाइनल ईयर छात्र के बीच देर रात मारपीट हो गई। माना जा रहा है कि यह मामला भी रैगिंग का है। रात करीब 10:15 बजे इसकी सूचना मिलने पर मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य, वार्डन और दूसरे जिम्मेदार लोगों ने हॉस्टल पहुंचकर मामले की जानकारी जुटाई। तंबाकू मुक्त होगा राज्य, शुरू हुआ ये खास अभियान। उत्तराखंड को तंबाकू मुक्त बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने एक अभियान शुरू कर दिया है। राजधानी देहरादून में इस अभियान की शुरुआत करते हुए स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने इसका शुभारंभ किया। इस मौके पर तंबाकू मुक्त करने के लिए लोगों को शपथ दिलाई गई। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड को तंबाकू मुक्त करने के लिए यह अभियान शुरू किया गया है। गहराया बिजली संकट, दफ्तरों में 11 बजे से पहले नहीं चलेगा AC। राज्य में बिजली संकट कम होने का नाम नहीं ले रहा, ऐसे में अब ऊर्जा निगम ने बिजली बचाने के लिए पहल शुरू कर दी। बिजली विभाग के दफ्तरों में सुबह 11 बजे से पहले कोई भी AC 24 डिग्री तापमान पर ही चला सकेंगे। UPCL के MD अनिल कुमार ने कार्यालय अध्यक्षों को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक